नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के राजकुमार रोत ने बीजेपी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान वे लगातार गांव में जाकर लोगों से मिले। चुनाव ही नहीं बल्कि अब भी रोत लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही राजकुमार रोत राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश दादर नगर हवेली भी जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि दादर नगर हवेली से भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी दीपक कुराड़ के समर्थन में जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसके बाद लोकसभा क्षेत्र रतलाम से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी बालू सिंह गामर के समर्थन में चुनावी सभाओं का आयोजन किया गया था। सभाओं के अलावा राजस्थान के मुद्दों पर भी खास नजर बनाए हुए हैं। रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए नगर पालिका के बजट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि 250 नगर परिषद UIT नगर पालिकाओं को शून्य बजट विकास कैसे होगा। जिसने भी बीजेपी को वोट दिया है उसे बजट मिल गया है। जयपुर ने कुल 80 वोट दिए हैं, उससे 80% हिस्सा राशि मिल गई है। इसके लिए हम कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका परिषद असंवैधानिक है। राजकुमार रोत लगातार आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, वे लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हैं। आदिवासियों को साधने में रोत इस बार सफल साबित हो रहे हैं। चुनाव में बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट देकर प्रयास तो किया है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद को आदिवासियों का हितैषी बताया, लेकिन इनका कितना असर हुआ 4 जून के नतीजों से साफ होगा। पीएम के प्रयासों से उल्ट राजकुमार रोत ने पीएम को बयानों को आदिवासी विरोधी बताया और चुनाव में भी खूब मुद्दा भी बनाया। वाराणसी से विधायक राजकुमार रोत ने अकेले ही चुनाव में दमखम दिखाया, युवाओं का भी खासा साथ उन्हें मिला। लोकसभा चुनाव के जरिए दिल्ली पहुंचकर आदिवासियों के हक की मांग करने की बात करने वाले राजकुमार रोत, जनता ने कितना भरोसा जताया ये चुनाव परिणाम के साथ ही साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दबा दे बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।